नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के दौरान धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया गया। कॉलेज परिसर के आसपास प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई, बावजूद इसके एबीवीपी प्रत्याशी के समर्थक ने कॉलेज के बाहर छात्र नेता व एबीवीपी के कार्यकर्ता जुलूस निकालते दिखे और कॉलेज के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था। बावजूद इसके छात्र संघ चुनाव में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, वहीं छात्रों के आगे प्रशासन और पुलिस बेबस नजर आई। देखिए, जहां पर आप सभी देख रहे हैं, सभी जगह फोर्स तैनात है और जो वोटर्स हैं वो जा रहे हैं और जो लोग झंडे लेकर चल रहे हैं उनके झंडे हटाए जा रहे हैं। झंडे कहीं भी किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है। बाकी एक उत्साह का माहौल है, तो बच्चे ग्रुप में जा रहे हैं। किसी भी तरीके का अभी शांतिपूर्वक चुनाव की प्रक्रिया यहाँ संपादित हो रही है। देखिए, आपने अभी स्वयं भी देखा होगा, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कि जो लोग अगर झंडे लेकर आ रहे हैं उत्साह के माहौल को बनाते हुए, तो उनके झंडे भी यहाँ लिए जा रहे हैं। कोई प्रशासन के दबाव में काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ से जुलूस निकाल रहे थे उनको हटा दिया गया है। धारा 144 लागू है। जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो लोग वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम लोग जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो सबसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो लोग वोटर हैं वो वोट देने के लिए जा रहे हैं, तो इसको धारा 144 का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वोटर को वोट देने का अधिकार है। सर, एबीपी के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सामने जुलूस दिख रहा है, झंडे लेके लहरा रहे हैं कॉलेज के आगे, जो कि आप लोगों ने पूरा जीरो जोन कहा था कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा। नहीं, जीरो जोन, ये जीरो जोन है, यहाँ पर कोई वाहन नहीं आने दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं आने दी जा रही है, लेकिन पैदल जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो पैदल वोट देने के लिए आ रहे हैं, वो लोग अपना पैदल वोट दे रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू परिषद के दबाव में पुलिस काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, पुलिस किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं कर रहा है। जो भी निकल रहा है, कोई विजय जुलूस की अनुमति नहीं है, कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलना दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।